आज का चैप्टर क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो पहले हम जान लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। तो क्रॉप को प्रोड्यूस करना, फिर उसका मैनेजमेंट करना, तो इसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रॉप होती क्या है। द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब एक जैसा पौधा यानी कि एक जैसा प्लांट एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा पर उगाया जा रहा हो उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो इसके टू टाइप्स होते हैं क्रॉप के, तो हमें पहले जान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट होता है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वह क्रॉप जो रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में उगाया जा रहा है उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये जनरली जून टू सेप्टेम्बर मंथ में उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पैडी, मेज़ा, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप्स में उगाए जाते हैं। एंड सेकेंड हमारा रवि क्रॉप्स होता है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। मतलब वो क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जा रही हो, मंथ अक्टूबर टू मार्च में उगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ये होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। ये हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, इन्हें फॉलो करके हम एक क्रॉप उगाते हैं एंड फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो एक एक करके हम इनका पहले समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ इरीगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ स्टोरेज। तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। मतलब हम जो सॉइल की गुड़ाई करते हैं ऊपर नीचे, जो मतलब नीचे की सॉइल से ऊपर लाते हैं एंड ऊपर की सॉइल से नीचे, मतलब उसकी गुड़ाई करते हैं, उसे लूज करते हैं, उसे टर्न करते हैं, उसे हम टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हैपन क्योंकि ये ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म करता है एंड जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं फार्मर के लिए वो इंक्रीज करता है। इससे अच्छी ग्रोथ भी होती है प्लांट्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है फर्स्ट। एंड इसके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब इससे मतलब इसके द्वारा किए जाने वाले टूल्स प्लफ एंड हो। इससे ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं। प्लफ एंड हो पहले एंशियंट टाइम्स में यूज़ करा जाता था, बट अब जो मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं कल्टिवेटर, ये ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप, सोइंग। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटीज क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटीज आर सेलेक्टेड। सोइंग मतलब होता है दोस्तों सीड को गाड़ना यानी कि उसमें सोन करना। उसमें क्या होता है कि हम सोइंग से पहले अच्छी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स उसमें हम लेते हैं। फार्मर्स जो हैं हेल्दी एंड गुड सीड्स जो सेलेक्टेड करते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये हाई यील्ड होती है एंड ये गुड मतलब हेल्दी ग्रोथ कराती है प्लांट्स को। एंड अब हमारे इसमें ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं, इसमें एक फनल लाइक शेप होता है जो पहले भैंसों द्वारा करा जाता था, पर अब जो मॉडर्न मेथड आ गया है इससे हमारा बहुत टाइम भी बचता है फार्मर्स का। सीड ड्रिल, इससे जो है इससे जल्दी हो जाता है और ये बहुत यूज़फुल भी हमारा ये ट्रैक्टर द्वारा होता है। पहले जो था ट्रेडिशनल मेथड हमारा वो भैंसों द्वारा होता था, मतलब भैंस चलती जाएगी और पीछे से जो है हम एक शेप लाइक अ फनल होता था उसमें हम सीड डालते रहते थे। फार्मर्स जो है सीड डालते थे और वो अंदर गड़ती जाती थी, खील टाइप का होता था, बट जो है सीड ड्रिल आ गया है। अब इसमें हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब थर्ड स्टेप आता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मतलब वो सब्सटेंस जो हम सॉइल में मिलाते हैं किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ये हेल्दी ग्रोथ कराती है हमारे प्लांट्स को, जिसे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो इसके हम इसके जो दोस्तों इसका जो है डिफरेंस बहुत मेन है। तो हम फर्टिलाइज़र इज़ अ मैनमेड इग्नोरिक सॉल्ट, मतलब फर्टिलाइज़र जो है एक मैनमेड इग्नोरिक सॉल्ट है और एक मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर जो एक नेचुरल सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन मतलब जो प्लांट्स का वेस्ट है और काउ डंग से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र जो है एक प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वैनरीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड।
तो मैन्यूर जो है वो फील्ड में प्रिपेयर्ड होता है और फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है। मतलब फर्टिलाइजर जो है केमिकल सब्सटेंस है, वो मैनमेड सब्सटेंस है, इग्नोरिक सॉल्ट्स, और मैन्यूर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है। अब हम थर्ड पॉइंट जान लेते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल व्हेन दिस मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मतलब फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को बिल्कुल मतलब ज़्यादा प्रोवाइड ह्यूमस नहीं करता, बल्कि मैन्योर जो है वो बहुत इसमें सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र जो है प्लांट को बहुत सा न्यूट्रिएंट्स देता है। फर्टिलाइज़र जो है रिच होता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देने में। व्हेन रिच मैन्योर इज रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, बट मैन्योर जो है अच्छा है, बेटर देन फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसमें हम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब ये जो है इट एक्सटेंड्स द मतलब जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है ये एक्सचेंज करता है, मतलब जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजली। ये जो है सॉइल को पोरस करता है, उससे गैस इजली मूव ऑन होती है, मतलब इजली जो सॉइल है वो गैस एक्सचेंज कर पाती है, मतलब ले लेती है और निकाल भी लेती है इजली। एंड जो है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब सॉइल जो है मैन्योर जो है हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये टेक्सचर जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो भी इम्प्रूव करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप रोटेशन भी बहुत मेन है। क्रॉप रोटेशन होता क्या है? अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इट्स कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब अगर जैसे हमने एक बार फसल करी, फिर अगर हम उसे लगातार फिर से क्रॉप मतलब उगाएंगे, तो इससे हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मतलब प्रोवाइड कर पाएगी, इससे लेस रिलेटिव हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे और हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमें कुछ टाइम देना होता है क्रॉप को फिर से रिन्यू होने में, रिप्लेस होने में। इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं कि क्रॉप को एक बार लगाया, फिर उसके बाद हम फिर उसे टाइम देकर उसको बाद में लगाना। अगर हम तुरंत लगाते रहेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी प्लांट की, और जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा ही नहीं कर पाएगी, तो ग्रोथ अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हमारा फोर्थ, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है दोस्तों द सप्लाई ऑफ वाटर्स टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब प्लांट को रेगुलर टाइम पर उसे वाटर देना, उसे वाटर प्रोवाइड करना, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। उसमें अगर हम इरिगेशन देंगे तो इसका सोर्स ऑफ इरिगेशन होते हैं वेल, ट्यूब वेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, इन सब चीज़ों से हम इरिगेशन मतलब पानी दे सकते हैं प्लांट्स को। तो सो मेन टाइप ऑफ इरिगेशन होता है वो मेन रेन होता है। तो अगर रेन नहीं होगी तो इन सब में से पानी नहीं आ पाएंगे, तो उसका मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन रेन होता है। अब यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पुराने जमान एंशियंट टाइम्स में हमें हम मोट, चेन पम्प, ढेकली, राहत, इन सब्स को यूज़ करके इरिगेशन करते थे। अब हमारे कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। यहाँ पे टू मेथड्स हैं। स्प्रिंकल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि वेल थ्रू मतलब जो मोटर है उसमें पाइप से सीधे स्प्रिंकलिंग होकर जाता है, पानी क्रॉप में स्प्रिंकलिंग होकर जाता है, लाइक रेनिंग, जैसे रेनिंग होती है वैसे स्प्रिंकलिंग होकर जाता है पानी, इसे हम स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। एंड ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, क्रॉप में डायरेक्टली पाइप के थ्रू जाता है, मतलब उनकी जो रूट होती हैं डायरेक्ट उनके नीचे से उनकी मतलब रूट्स में जाता है, फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, मतलब उनके सीधे रूट्स में जाता है। और स्प्रिंकल सिस्टम स्प्रिंकलिंग होकर जाता है। सो इनमें डिफरेंस भी बहुत मेन है तो, एंड ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स। अब वीड्स होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। दीज आर यूटिलाइजेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स आर मे नेचुरली ग्रो इन द विद अलोंग विद द क्रॉप, दे आर कॉल्ड वीड्स। मतलब वीड्स वो होती हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, मतलब हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं, वो हार्मफुल होती हैं हमारी क्रॉप के लिए। तो अपने आप मतलब वे अपने आप उग जाते हैं, नेचुरली उग जाते हैं वीड्स, एंड
वो अनवांटेड प्लांट होते हैं। सो इन्हें हम रिमूव, हमें इनसे प्रोटेक्ट करना होता है। तो इन्हें हम रिमूव करने के लिए, इन्हें किल करने के लिए हम खुरपी यानी कि खुरपी से काट भी सकते हैं, टूल से काट भी सकते हैं। वेनरीज हम इस पर स्प्रे करें यानी कि स्प्रेइंग करके भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड्स। इन्हें हम केमिकल से भी हटा सकते हैं। वेडिसाइड्स की एक स्प्रेइंग मशीन होती है, तो हम उससे वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D नाम की केमिकल होती है, उससे हम इसे स्प्रे करके वीड्स को किल कर सकते हैं। और लेकिन ये क्रॉप को कोई डैमेज नहीं करती, इसमें हमें कुछ डैमेज हो सकता है। सो हम इसमें मास्क वास्क लगा कर ही इसे स्प्रे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जब वो होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी पूरी क्रॉप बनकर तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम क्रॉप को काटते हैं, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसकी डेफिनेशन है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टोरेज। जब हमारी क्रॉप बनकर तैयार हो जाती है, फिर हम उसे स्टोरेज मतलब उसे स्टोर करते हैं। हम उसे ऐसे तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारे इंसेक्ट्स और चूहे लोग जो चूहे ये सब खा लेंगे। सो हमें इसे एक मतलब बड़ी जगह लार्ज स्केल पर स्टोरेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड गैरनीज। तो यहाँ पे जो मतलब बड़े बड़े हॉल फूड फॉर फ्रॉम एनिमल, जैसे इसमें इस टॉपिक में केवल एनिमल हस्बेंड्री मेन टॉपिक मेन डेफिनेशन है। तो इसमें लिखा है एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव्स टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। वेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट्स कॉल्ड अ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को मतलब शेल्टर फूड प्रोवाइड करा जाता है, शेल्टर उनकी केयर करी जाती है अच्छे से, और उन्हें फार्म दिया जाता है। इस सबको हम ये जो है एक लार्ज स्केल पे करा जाता है, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब एनिमल्स को अच्छा शेल्टर, उन्हें फ्रूट प्रोवाइड करा जाता है, अच्छे से उनका केयर करा जाता है, ये दोस्तों एक लार्ज स्केल में करा जाता है, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।